हेलो फ्रेंड्स, मैं अवितेज फन वर्क एंड टेक सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, ये सैमसंग का J700F मॉडल है। आप इसको कैसे अनलॉक करेंगे, ये तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपका पैटर्न लॉक, पिन लॉक आपका पड़ जाता है तो आप उसको कैसे अनलॉक करेंगे। ये सॉल्यूशन मैं इस ट्यूटोरियल में दे रहा हूँ, जो भी बिना कंप्यूटर के। तो आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए जल्दी से जल्दी, और मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। देखिए, हमें सबसे पहले फ़ोन को ऑफ कर देना है। फ़ोन जब ऑफ हो जाएगा देखिए, फ़ोन को मैं ऑफ़ कर रहा हूँ। ये फ़ोन मैंने ऑफ़ कर दिया, पहली बार में ऑफ़ नहीं हुआ था, इस बार देखिए ऑफ़ हो गया है। ऑफ़ होने के बाद हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे। अब ये फ़ोन पूरा ऑफ़ हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए होम की है और ये साइड में ऊपर जो है वॉल्यूम अप की है। अब पावर की को तीनों को एक साथ लॉन्ग प्रेस करेंगे। लॉन्ग प्रेस करके पावर की को रिलीज़ कर देंगे थोड़ा देर, और दोनों की को पकड़े रहेंगे होम की। और ये देखिए कमांड प्रॉम्प्ट आ गया है, हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे, वेट करेंगे। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद एक नया स्क्रीन खुलेगा। अब रुके रहिए, थोड़ी देर में और एक स्क्रीन आएगा। हाँ, ये देखिए एक नया स्क्रीन आ गया। अब इसमें क्या करना है, हमें वॉल्यूम डाउन की से स्क्रॉल करके वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट पर जाना है। तो हम उसको यहाँ से देखिए दिखा रहे हैं, ये स्क्रॉल डाउन करके आपको वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट पे जाना है। उसके बाद आपको पावर की को प्रेस कर देना है, फिर यस करके फिर प्रेस कर देना है पावर की को। आप उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे नया स्क्रीन आ गया, फॉर्मेटिंग हो रही है। फॉर्मेट होने के बाद एक स्क्रीन फिर खुलेगा, तो हमें क्या करना है, अब इसको फिर से रीबूट कर देना है। वहाँ रीबूट का ऑप्शन है, ये देखिए फ़ोन अब रीबूट हो गया है। इसमें थोड़ा आपका प्रोसेस अब लग सकता है, 5 से 10 मिनट का प्रोसेस लग सकता है, तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे इस चैनल अवितेज फन वर्क को लाइक करिएगा और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं अपना इसमें जो ट्यूटोरियल है मैं वो आपको बताता रहूँगा। और सबसे बड़ी बात, मैं इसमें सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं भी यूट्यूब से और अदर कहीं से भी सीख के मैं अपना एक्सपीरियंस इस चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को देखिए और उसको सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद देखिए एक नया स्क्रीन आ रहा है, वो जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहे हैं सारे, उसमें थोड़ा अभी समय लगते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे वी चैट का जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो रहा है, और इसी तरह सारे ऐप्स जो होंगे सेट के अंदर वो इंस्टॉल हो रहे हैं। ये देखिए हो रहा है। अब ये आपका देखिए नया स्क्रीन, वेलकम स्क्रीन खुल गया है। अब हमें इसमें आगे स्टार्ट बटन होगा, उसको प्रोसीड करना पड़ेगा। तो हम आगे बढ़ेंगे टैप करके, देखिए कैसे बढ़ेंगे। ये देखिए हम स्टार्ट करेंगे, वेलकम स्क्रीन है, मैं दिखा रहा हूँ आपको इस तरह से। ये देखिए मैं स्टार्ट करेंगे, मैं इसको प्रेस करूँ, पहले लैंग्वेज होता है उस लैंग्वेज को सेलेक्ट करके स्टार्ट कर देंगे। मैंने स्टार्ट किया, फिर वाईफाई कनेक्शन आ जाएगा। वाईफाई कनेक्शन को हमें कनेक्ट कराना पड़ेगा, कनेक्ट करा के हम नेक्स्ट करेंगे। और उसमें थोड़ा देखिए कनेक्ट कर, मेरा वाईफाई थोड़ा कनेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन कनेक्ट हो जाएगा आपका। तो आप उसको वाईफाई कनेक्शन कनेक्ट करा लीजिएगा, अगर आपके पास कोई मॉडल हो जो चीज़ से चालू हो जिसपे कि आपका वाईफाई कनेक्शन हो। तो इस तरह से देखिए मैंने कनेक्ट करा रहा हूँ।
ये देखिए मैं वाईफाई मेरा एंड्रॉयड एपी है, देखिए मैंने इसको कनेक्ट करा लिया है। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन का ऑप्शन आ गया जिसमें कि हम एग्री कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ चेकिंग कनेक्शन का ऑप्शन आ गया है, तो थोड़ा इंतजार करते हैं। चेकिंग कनेक्शन के बाद देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट का एक ऑप्शन आएगा, और सबसे बड़ी बात कि अगर आप सेट को फॉर्मेट कर रहे थे उसमें थोड़ा समय लगता है, तो इसलिए आप मेरा इस पूरे वीडियो को पूरा वॉच करिए, पूरा देखिए। और इसमें मैं इस ये ट्यूटोरियल जो है सिर्फ उन लोगों के लिए है जैसे कि जो कि फ़ोन और नंबर लॉक हो जाता है, अब वो खोल नहीं पा रहे हैं तो बिना कंप्यूटर खोले, और वो जिसके पास जीमेल आईडी होगी वो सिर्फ जीमेल आईडी वालों के लिए मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपका जीमेल आईडी आप भूल जाते हैं तो फिर इसको आपको बाईपास कराना पड़ेगा, तो बाईपास का मैंने दूसरा वीडियो डाला हुआ है मेरे चैनल पर, तो आप वो चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिसके पास जीमेल आईडी है अपना, और जो फ़ोन में लॉगिंग था उसको इसमें लॉगिंग करना पड़ेगा। फिर चेकिंग देखिए चेकिंग इन्फो का ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद और भी ऑप्शन आएंगे। अब आप देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि योर वेरीफाई योर अकाउंट दे रहा है, तो अब आपको यहाँ पर लास्ट में अपना जीमेल आईडी जो इस सेट में लॉगिंग था वो लॉगिंग यहाँ करना पड़ेगा। उसको लॉक करेंगे तभी ये डिवाइस आपका अनलॉक होगा, नहीं तो आपका ये जीमेल आईडी अगर गलत होगा तो ये आपको अनलॉक बताएगा, नहीं खोलेगा, तो अनलॉक नहीं बताएगा मतलब खोलेगा नहीं। तो इसलिए कि आप इसमें जीमेल आईडी वही डालिएगा जो वेरीफाई होगा। देखिए मैंने डाला है जो जीमेल था इसका है नहीं, वो देखिए यहाँ पे कुड नॉट फाइंड बताएगा, तो इसलिए इसमें वैलिड जो जीमेल आईडी होगी वो डालेंगे तो आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। इस तरह से आप अपने डिवाइस को अनलॉक कर पाएंगे। तो आप मेरे चैनल अभितेश फर्मवेयर को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस ट्यूटोरियल में और इस चैनल पर मैं भेजता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।